दोस्तों, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, आप फिट रहना चाहते हैं और आप ट्रेनिंग करते हैं मार्शल आर्ट की, चाहे वो कराटे हो, ताइक्वांडो हो, म्यू थाई हो या और भी कई मार्शल आर्ट हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, दोस्तों आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ एक किक पैड की, जो कि है माइजू कंपनी का। अगर आप चलाते हैं अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसमें आप सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज जो माइजू कंपनी का थाई किक पैड है वो कितना अच्छा है, ड्यूरेबल है। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खाली इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, तो लीजिए आपके सामने है भाई जो पैड है हमारा किक पैड, उसका ये इतना बड़ा बैग आया है फ्लिपकार्ट से। तो ये रहा सीजर, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों आपके सामने मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखो, अब मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, ये देखो ठीक है। ये पूरा का पूरा काफ़ी बड़े हैं और मैंने इससे पहले भी यूज़ किए हैं अलग अलग कंपनियों के, तो चाहे वो उशी के हों या कोई अदर जो दूसरे होते हैं ब्रांड, उसके भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस बार जो मैंने माइजू कंपनी के थाई किक पैड मंगाए हैं वो कैसे हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितने बड़े ये हैं, ये देखिए। वीडियो में आपको ये ठीक से नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको इसे खोल देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी क्वालिटी किस चीज़ से बना हुआ है क्या है वो मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों ये देखिए, ये दो इस तरह से जो है थाई किक पैड मेरे को आए हैं माइजू कंपनी के। देखिए इसमें इसका जो लोगो भी है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है माइजू करके, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये माइजू कंपनी का यहाँ पर वेबसाइट भी है www.maizu.in, तो इनकी ये वेबसाइट है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से ये थाई पैड मंगा रहा हूँ और आप इसे बैक साइड में देखिए, आप बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पर देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पर देखिए ऐसे हाथ डालते हैं और ये देखिए ये फ्लेक्सी, ये देखिए यहाँ पर एडजस्टेबल है, ये देखो एडजस्टेबल है ये पूरा का पूरा, ये देखो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा एडजस्टेबल है। मतलब आप इसको जितना आपका जो आर्म्स का थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। और ये देखो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये देखो ऐसे पकड़ने के लिए ये होता है। तो ऐसे ही ये जो दूसरा वाला है, अभी क्योंकि मैंने वॉच पहना है तो ये ठीक से आएगा नहीं, ये देखो ये दूसरा वाला ऐसे पकड़ते हैं उसको, आप पीछे से ऐसे आगे से ऐसे, ठीक है। और इस पे हम लोग ऐसे करके जो है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, किक की प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने इसको बैक साइड से देख लिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर लोगो लगा हुआ है माइजू का, बहुत ही अच्छा तरह से इसका लोगो दिया गया है। इसके जो बैक साइड का एरिया है, जो ये पकड़ने वाले हिस्से हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हैं और काफ़ी ड्यूरेबल हैं, मुझे लगता है दोनों अच्छे ड्यूरेबल हैं। और देखिए यहाँ पर अलग से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इन्होंने, ये देखो यहाँ पर ये मेटल का इन्होंने इस पर ये लगाए हुए हैं, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब ना हो, उखड़े नहीं, ठीक है। इसमें मैं इसकी जो इन्होंने ग्रिपिंग बना रखी है, इसके लिए मैं इनको 10 में से 9 नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये किया हुआ है। इसके स्ट्रैप की क्वालिटी अगर बात करें तो जिस हिसाब से इसका प्राइस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का भाई, इतने अच्छे रेट में आपको बाद में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में, आपको सब पता लगेगा। और देखो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ड्यूरेबल है। अब अगर बात करें इसके जो ये स्टिचिंग हो रखा है, आप देखिए साइड से इसका स्टिचिंग, आप देखो साइड से स्टिचिंग देखो भाई, आप कितना बढ़िया स्टिचिंग है, चाहे वो इधर को इधर से कर रखा हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि खराब स्टिचिंग इन्होंने कहीं पर दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए इतने पास से, बहुत बढ़िया। अब रही बात फ्रंट की, देखो फ्रंट का जो ये सिंथेटिक लेदर है, आई रिपीट ये लेदर नहीं होता भाई, देखो इतने पैसे में प्योर लेदर तो आएगा नहीं, ये सिंथेटिक लेदर है और हमने कई बार इसको यूज़ किया हुआ है पहले, क्योंकि मेरा खुद का मार्शल आर्ट स्कूल है तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को पहले भी यूज़ कर चुका हूँ सिंथेटिक लेदर को, तो ये अच्छी क्वालिटी का लेदर होता है, ये अच्छा चल जाता है। इसके अंदर जो स्टफिंग है वो काफ़ी हार्ड है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इसमें पावरफुल किक्स होती हैं वो बहुत आराम से अब्जॉर्ब हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं, ठीक है। पावरफुल किक्स होता है, पावरफुल पंचेज होते हैं, वो आप इस पर कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ड्यूरेबल है। तो मेरे को लगता है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा माइजू ने प्रोडक्ट बनाया है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है इतने चीप रेट पर मिला है, यानी कि अभी फ्लिपकार्ट सेल चल रहा था
तो मैंने उसी का ये ऑफर जो है इसको ग्रैब किया है, तो ये मेरे को बहुत अच्छे से मिला है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें, तो वीडियो को देखने के बाद आप जब फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो उसके रेट फ्लैक्चुएट हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने ये ऑफर में लिया है और मैंने इस पे खर्च किए हैं कुछ अपने जो कॉइन्स होते हैं। कौन से कॉइन्स, जब हम कोई भी फ्लिपकार्ट से चीज़ खरीदते हैं तो हमको कुछ कॉइन्स हमें रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं, तो मैंने वहां से भी कुछ पैसा कम कराया है। तो ये टोटल कितने का पड़ा है मेरे को, अभी मेरे को ये 783 का ऑफर पे पड़ा है। तो मैंने बता दिया आपको कि आपको ये जो प्राइस है ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि मैंने जो थंबनेल है उसमें जो प्राइस दिया है वो गलत है। मैंने वो प्राइस दिया है जो कि मेरे को पड़ा है। आपको ये ज़्यादा पड़ता है तो वो एक अलग बात है, पर ठीक है, इस लेवल पे अगर आपको ये 800-900 रुपए का भी पड़ रहा है, कई तो हमको ऐसा है कि सिंगल ही हमको जो है 800-700 रुपए का पड़ रहा है। अगर इसकी क्वालिटी देखूं, क्वालिटी के हिसाब से बाइक परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड किक करेंगे, चाहे आप बिगनर्स हैं चाहे आप एडवांस लेवल के प्लेयर हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टिचिंग की बात करूं, मैंने पहले बता दिया है काफ़ी अच्छी स्टिचिंग है, काफ़ी ड्यूरेबल है मेरे को लग रहा है, और दो मेरे को पेयर में ये दोनों मिले हैं और काफ़ी बढ़िया हैं। इनकी लंबाई जो इनकी चौड़ाई है, लंबाई है इसकी बात करूँ तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो इसकी है वो है 37 mm की इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, काफी किक्स को ये रोक सकता है बढ़िया करके। इसकी हाइट जो है 25 mm की जो है इसकी हाइट होने वाली है, और 1400 ग्राम जो है इसकी जो वेट हो गया है। अभी आप देखोगे काफी ठीक है, बढ़िया है, तो आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं अपनी एकेडमी के लिए, अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी के लिए और अपनी फिटनेस एकेडमी के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। कलर की बात करूं दोस्तों, तो ये दो कॉम्बिनेशन पे आता है। एक जो कॉम्बिनेशन मैंने मंगाया है वो है ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने इसको देखा है, रेड और ब्लैक काफी कॉम्बिनेशन अच्छा है, अधिकतर तो लोग इसी को जो मंगा रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो इसका है वो था ऑरेंज और ब्लू कलर का, वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ये मुझे ब्लैक और रेड वाला काफी अच्छा लगा दोस्तों। अब आती है बात कि ये कितना, मतलब हमारे आर्म्स में कितना ये फिट होता है। तो दोस्तों देखो, ये जो हमारा हाथ होता है ना पूरा का पूरा, ये इसको पूरा इजिली कवर करता है। मतलब अगर मैं इसको आपके सामने देखो, अगर मैं इसको ऐसे पहनता हूं, ठीक है, यहां पहनने के बाद अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो देखो ये आपका पूरा हाथ को है ढक लेता है। तो ये दो होते हैं ना, दो को ऐसे पकड़ के हम उसको यूज करते हैं, तो ये देखो इतना बड़ा है। अब पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका जो फोर आर्म होता है उसको ये कवर कर लेता है बहुत इजीली से। अब यहाँ से देखिए, इस ये मेरा पंच है, इसके बाद भी इतना एरिया देखो बच रहा है यहाँ पर, है ना, और नीचे देखो ये मेरा यहाँ पर एल्बो है तो इससे ऊपर ये रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। छोटे बच्चे हैं वो भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो बड़े हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ये था माइजू कंपनी का थाई किक पैड जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये अनबॉक्सिंग हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट करते हुए वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।